देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ जनपद में जियनपुर में तैनात एक सिपाही की दगाबाजी से उसके पिता लाचार और बेबस हो गए हैं। अपने पोते और बहू की सलामती के लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पोते और बहू के भविष्य की चिंता पिता को खाई जा रही है। आराम करने के दिनों में पिता पोते और पुत्रवधु को न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। दगाबाज सिपाही की पत्नी नीतू शर्मा ने बताया कि उनकी शादी को कई वर्ष बीत गए, उनके दो बच्चे हैं। बच्चों की देखरेख और फालिज के शिकार ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी बहू पर ही है। ऐसी स्थिति में पति उनका साथ छोड़कर शहर में ही किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। उसने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक घंटे के लिए पति घर आया था तो जाते समय जेवर और सारा पैसा भी साथ में ले गया। जेवर सुनार को बेचकर पैसे ले लिए। बहू ने बताया कि उसके पति ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, वो अपने पिता की कॉल भी नहीं उठाता। पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्रक के माध्यम से बेबस कुशीनगर जनपद के निवासी पिता ने बताया कि वो कई महीनों से फालिज का शिकार है और उसकी देखरेख पुत्रवधु करती है। सिपाही बेटा कुछ दिनों से पत्नी का साथ छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ संपर्क में है, जिसकी वजह से उसका घर आना जाना नहीं होता और न ही वो हम लोगों को परिवार चलाने का पैसा दे रहा है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्रक के माध्यम से बेबस पिता और उसकी पुत्रवधु ने न्याय दिलाने की मांग की है। पति दूसरे औरत के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, हमसे झूठ बोले कि नहीं हम सही सब कर दिए हैं। उसके बाद से घर गए 26 तारीख को, दो घंटे के लिए मेरा जेवर था, चैन था, कान का था, छोड़ा को उस औरत के साथ गया, उस औरत को दे दिए। उसके बाद से घर पे गए एक घंटे के लिए, उसके बाद से वहाँ से निकल गए। उसके हम उसके बाद तीन दिन पहले हम लोग गए उसका ब्याज पता करने जेवर का, उसको गोल्ड लोन लिया गया था, तब पता चला कि 26 तारीख को वो आके उस औरत के साथ मेरा जेवर लेके उसको दे दिए। अपना नंबर हमसे बोलते थे कि नहीं हम नंबर, मेरे पास पुराना नंबर है, फ़ोन नहीं है, हम फ़ोन नहीं चला पा रहे लोग को, अब हम वो अपने फ़ोन से किए तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अपने पापा का भी नंबर ब्लॉक कर दिए, मेरी बड़ी बहन है उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। या उसकी पोस्टिंग जियनपुर कोतवाली में हुई, जियनपुर कोतवाली के बाद जो है वह जो है यह रंगलेरी मनाने लगा। वो कोतवाली में जगह नहीं मिली, नहीं मिलने की वजह से प्राइवेट क्वार्टर लिया। प्राइवेट क्वार्टर के बगल में जिस औरत से संपर्क प्रेजेंट टाइम में है वह अब दोनों रहने उसी से। हम क्या बताएं बाबू, हम तो इतने परेशान हैं कि बाप होते हुए भी मैं फालिज का मरीज हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। समस्या हो रही है, इस समय से इसको नहीं पूछ रहा है, न पैसा दे रहा है साल भर से, किसी और के साथ, किसी और दूसरे औरत के साथ है। तो इनकी जो पहली पत्नी है उनसे बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं दोनों। क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। हम आए थे एसपी साहब के पास, एसपी साहब छुट्टी पर चल रहे हैं, जब आएंगे तब उन्हीं से होगा, लास्ट उन्हीं से होगा।